Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan. Okay, हम लोगों ने अभी तक linear quantities और angular quantities का बड़ा अच्छा एक relation पढ़ा, इनका comparison पढ़ते जा रहे हैं हम लोग साथ साथ. एक comparison आज भी और हम पढ़ेंगे, एक नया topic पढ़ेंगे जो कि linear motion से relate करेगा. जिस तरीके से हम लोगों ने लीनियर मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है. जिस तरीके से स्ट्रेट पाथ पर, जिस तरीके से लीनियर पाथ पर लीनियर मोशन भी कंजर्व रह सकता है, इसी तरीके से सर्कुलर पाथ पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रह सकता है. ठीक है, अब ये किस तरीके से कंजर्व रहता है इसको आज की टॉपिक में, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा अगेन मैं एक आप आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके, थोड़ा सा कंपैरिजन करके लीनियर क्वांटिटीज का एंगुलर क्वांटिटीज के साथ. ठीक है, लेकिन आज का जो कंपैरिजन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ स्किप मत करना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा, उसमें कुछ चीज़ें नहीं मैं ऐड करूंगा. ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि हाँ भाई लीनियर क्वांटिटीज आपने कौन सी पढ़ रखी हैं और आपने एंगुलर क्वांटिटीज कौन सी पढ़ रखी हैं. तो लेट सपोज मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं लीनियर क्वांटिटीज को. ठीक है, और इसके साथ साथ मैं लिख देता हूं एंगुलर क्वांटिटीज को, एंगुलर क्वांटिटीज को. ठीक है भाई, इस वाले कॉलम के अंदर मैं लीनियर क्वांटिटीज और उस वाले कॉलम में मैं एंगुलर क्वांटिटीज, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं. ओके भाई, लीनियर क्वांटिटीज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मास, मास से स्टार्ट करते हैं, मास यानी कि एम. ठीक है, मतलब अगर आप बात करते हैं मास को तो मास को आप इनर्शिया भी कह सकते हैं, है ना, इनर्शिया मास हो गया, मास की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं मास को, लीनियर इनर्शिया को. इसी तरीके से जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो अब उसका जो इनर्शिया होता है वो इनर्शिया सर्क्यूलर यानी कि रोटेशनल हो जाता है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया. और रोटेशनल इनर्शिया का यहां पर जो एक पर्टिकुलर टर्म है उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हैं. तो जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में वही रोल एग्जैक्टली कौन प्ले करता है भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई के साथ, समझ रहे हैं. तो अगर लीनियर मोशन है तो हमारे पास लीनियर इनर्शिया होगा यानी कि मास होगा. ठीक है, और अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में भी इनर्शिया होता है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन की वजह से उस इनर्शिया को हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं आसान वर्ड्स में रोटेशनल इनर्शिया, और रोटेशनल इनर्शिया को ही हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो भाई याद रखिएगा, लीनियर मोशन में मास होगा और सर्कुलर मोशन में आय होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वे डिस्प्लेसमेंट को आपने एस से शो किया, यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. देन आपने पढ़ी लीनियर वेलोसिटी वी, और आपने पढ़ी एंगुलर वेलोसिटी, ये आ गया ओमेगा, है ना. फिर आपने पढ़ी लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंड फिर आपने पढ़ी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी के ये आ गया अल्फा, सिंपल सी बात है. इसी तरीके से फिर आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो भाई हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू ma, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. या फिर इसका एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा और वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना. फोर्स के दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं. ठीक है ना, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो मेरी लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक बात बताई थी आपको कि जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करती है वो रोल सर्कुलर मोशन में कौन प्ले करता है, वो प्ले करता है टॉर्क, समझ रहे हैं. तो लीनियर मोशन में फोर्स होती है और सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्स नहीं बल्कि इसकी जगह कौन आ जाता है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टॉर्क. तो भाई ये आ गया टॉर्क, अब एक काम ही करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं. यहां पर क्या लिखा हुआ है एम ए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर लीनियर मोशन होगी तो मास होगा और अगर सर्कुलर मोशन होगी तो मास की जगह कौन आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये जो एम है इस एम की जगह क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आई. आगे चलते हैं. हाँ भाई, लीनियर मोशन है तो लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि ए, और अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में ए थोड़ी होगा बल्कि कौन हो जाएगा, अल्फा. तो यह आ जाएगा अल्फा, समझ रहे हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो ये देखें, ये दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ
सिंपल लीनियर मोशन। तो हम कहते हैं कि लीनियर मोशन में फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही आप सर्कुलर मोशन में इस तरीके से लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू एम ए, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला एक और लिख लेते हैं हम लोग। हाँ भाई, फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। आगे चलते हैं, फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, तो टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए? लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? नो, तो टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर क्वांटिटीज को पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आज के टॉपिक में मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ये चीज कनेक्ट रहिएगा, मैं आज के टॉपिक में, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज प्रूव करवाऊंगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे, समझ रहे? तो मैं आज ये आपको ड्राइव करवाऊंगा। फिलहाल मैंने क्वांटिटीज का जो रिलेशन बताया आपको, कंपैरिजन बताया, उसमें ये चीज हमने बना ली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो हमें पता था, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देन द टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपने लीनियर मोमेंटम चेंज करना हो तो फोर्स अप्लाई करते हैं, एंगुलर मोमेंटम चेंज करना हो तो टॉर्क अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से फिर आपने क्या पढ़ा मोमेंटम के बारे में? हाँ भाई, मोमेंटम के बारे में क्या पढ़ा? मास टाइम्स वेलोसिटी, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन में आपको मैंने क्या पढ़ाया था? एंगुलर मोमेंटम। सो द एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। हाँ भाई, सबसे पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, m की जगह कौन आ जाएगा सर्कुलर मोशन में? i, तो m की जगह पे आ गया i, और आगे velocity, velocity की जगह पे कौन आ जाएगा? एंगुलर velocity आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा i omega, सिंपल। सो i omega फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड mv फॉर लीनियर मोमेंटम। l का यानी कि एंगुलर मोमेंटम का हमने एक फॉर्मूला और पर रखा है, एंड दैट फॉर्मूला इज r क्रॉस p, सही है? R क्रॉस P, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरीके से टॉर्क का मैंने आपको एक फॉर्मूला और पढ़ाया हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला एक और होता है, बेसिक फॉर्मूला उसका क्या होता है? मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो भाई थोड़ा सा कंपैरिजन आ गया, एक नया कंपैरिजन आ गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंपैरिजन बताया था उससे थोड़ी सी हटकी चीजें मैंने आपको बताई हैं और इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फोर्स वाला फैक्टर, और यहां पर टॉर्क वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, सिंपल सी बात है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ किस तरीके से रिलेट करोगे, आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए लाजमी। तो थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, हाँ भाई, लीनियर क्वांटिटीज क्या होती हैं और एंगुलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और मैं आपको ये बता रहा था कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आज के टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई, ये टॉर्क का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो भाई, डिराइव करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, अभी देखिएगा, आहिस्ता साफ चेक करिएगा कैसे हमने टॉर्क के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है इसको, और टॉर्क के कॉन्सेप्ट से ही हम एकदम से हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, और वो टॉपिक क्या, हम ये प्रूव कर देंगे कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व रहता है। चले आगे, तो अब मुझे यहां पर टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला यूज करना है, और हमने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R क्रॉस F, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अकॉर्डिंग टू लीनियर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लीनियर क्वांटिटीज, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर लिखवाया था ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? या तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, या तो फोर्स का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमें यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? मोमेंटम वाला, क्योंकि हमारा टॉपिक मोमेंटम है। तो हेयर, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हेयर एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो द इक्वेशन नंबर वन बिकम्स, अब हमें क्या करना है,
इस एफ की जगह पे इसका फॉर्मुला पुट करना है, जो कि क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मैं अपनी वीडियो के अंदर ये भी प्रूव करवा चुका हूं कि एक तो फॉर्मुला एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और ये फॉर्मुला किस तरीके से बनता है, ठीक है ना, वो वीडियो चेक कर लीजिएगा जाके, भले आप लोगों का फायदा हो जाएगा। सो द टॉर्क इज इक्वल टू आर, सेम रहेगा, इन टू एफ की जगह क्या आ जाएगा भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह आ गया लीनियर मोमेंटम का, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला। अब हमारे पास कंडीशन आ रही है, कंडीशन क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखवाया था, तो एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वो बेसिकली बराबर होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये देखें भाई, डेल्टा को अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, अगर डेल्टा को आप छोड़ दो तो आर क्रॉस पी, ये देखें आर क्रॉस पी ये हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के। तो ऊपर इस आर क्रॉस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल, ये आ गया एल, और कैपिटल एल के साथ ऑब्वियस ही बात है लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम चेंज होने की वजह से यहां पर भी चेंज का सिंबल आ जाएगा, ये आ गया डेल्टा, और अपॉन में कौन आ गया, एज इट इज डेल्टा टी। ये बन गया टॉर्क का एक और फॉर्मूला। हाँ भाई, टॉर्क का आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ना, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आज आपको मैंने एक फॉर्मूला और बता दिया कि टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, और उस फॉर्मूले को हम पता है कैसे रीड करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। समझ रहे हैं, जिस तरीके से आपने इसको कैसे रीड किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम कैसे बोलते हैं, अगर आपने जब भी किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करना हो, लीनियर मोमेंटम चेंज करना हो, तो हमें फोर्स अप्लाई करनी होती है। इसी तरीके से अगर हमने सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज करना हो, तो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ती है, टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो टॉर्क चेंज करता है एंगुलर मोमेंटम को, जबकि फोर्स चेंज करती है लीनियर मोमेंटम को। समझ रहे हैं, तो ये आ गई टॉर्क की डेफिनेशन, एंड द टॉर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो मैं यहां पर भाई इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एक काम की बात हमें पता चली, तो कैसे, टॉर्क कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, हाँ भाई, टॉर्क की एक नई डेफिनेशन जो आपको आज पता चली, एंड दैट डेफिनेशन इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। समझ रहे हैं, तो ये आ गई बात, देखो फर्क रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो फोर्स प्रोड्यूसेस, या फोर्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंड टॉर्क चेंजेस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं, आपने एक चीज प्रूफ करनी है, और वो चीज क्या प्रूफ करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से होता है। समझ रहे हैं, इस बात को हम प्रूफ करते हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं आपको लीनियर कंडीशन में एक चीज समझा रहा हूं, इस लीनियर कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है, वो कंडीशन क्या, इसको गौर से सुने, इफ इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, लेट सपोज हम कह देते हैं कि जो बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो जीरो हो गई। जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, द नेट फोर्स, यानी कि नेट, द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फोर्स का फॉर्मूला ये था एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है भाई, मोमेंटम को चेंज करना है तो फोर्स अप्लाई करनी लाजमी है, जब तक फोर्स अप्लाई हो रही होगी मोमेंटम चेंज होता जाएगा। समझ रहे हैं, तो अगर मोमेंटम को चेंज करना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेकर आना है, तो नेट फोर्स का होना लाजमी है। और अगर मैं आपको यूं कहूं कि हम फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहे, अगर बॉडी पर नेट फोर्स है ही नहीं, तो क्या मोमेंटम चेंज होगा, हो ही नहीं सकता। जो चीज चेंज करने वाली है अगर वो ही नहीं होगी, तो मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है। तो अगर बॉडी पर नेट फोर्स ना लगे, अगर उस बॉडी पर टोटल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब पता हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. क्या भाई क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया कि अगर बॉडी पर फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो मोमेंटम कंजर्व हो गया. कंजर्व का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया. तो अगर बॉडी मूव कर रही हो, कांस्टेंट मोमेंटम के साथ मूव कर रही हो, सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रही हो, इसका मतलब उस बॉडी पर नेट फोर्स है ही नहीं. बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट जो कर रही है वो जीरो हो गई. So if the net force acting on the body is zero, so the rate of change of momentum will also be zero. Hence, इस बात से पता है क्या साबित होता है? इस बात से साबित होता है momentum becomes constant. कितनी important lines हैं ये? कितनी important lines हैं? कितने important concept हैं? क्या? अगर force नहीं, अगर net force नहीं, तो momentum में change नहीं. अगर momentum में change नहीं तो मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया. बात समझ आई? इसी लीनियर कंडीशन को एज इट इज हमें अप्लाई करनी है सर्कुलर कंडीशन में, एंगुलर कंडीशन में, क्योंकि नाउ वी आर डिस्कसिंग द एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट कर रहा है टॉर्क. भाई अगर एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, तो यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी है. तो जिस तरीके से आपने यहां पर कॉन्सेप्ट एक बनाया, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई कर दो. हमने क्या बोला? If the net force acting on the body is zero, force zero हो जाए, तो यहां पर क्या बोलेंगे? If the net torque acting on the body is zero, तो अगर force zero हो गई थी, rate of change of linear momentum भी क्या हो गया था? Zero. तो अगर torque zero हो जाएगा, तो rate of change of angular momentum भी zero हो जाएगा. और अगर momentum में change नहीं आ रहा, तो momentum conserve. तो अगर angular momentum में भी change नहीं आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. समझ रहे हैं? अब मैं आपके सामने लिखता हूं इसकी स्टेटमेंट. या स्टेटमेंट से पहले एक खामे करते हैं, इस वाली बात को पहले हम यहां पर लिखते हैं. क्या इस वाली बात को आप कैसे लिखेंगे? इफ हां भाई, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, कौन सा टॉर्क? नेट टॉर्क. अगर टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये पूरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा. अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, समझ रहे? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने वाला कौन होता है? टॉर्क होता है. अभी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने एंगुलर मोमेंटम चेंज करना हो तो टॉर्क चेंज करेगा. तो अगर टॉर्क ही ना हो तो क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? और अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया, कंजर्व हो गया. कंजर्व होने का मतलब हेंस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट लिख दो या कंजर्व लिख दो, कितना आसान बात हो गई. इस कंडीशन को आपने लीनियर कंडीशन से कितना अच्छे तरीके से मैच कर दिया, कितने अच्छे तरीके से बना दिया. इसी वजह से हम कहते हैं कि एंगुलर क्वांटिटीज को समझना है तो आप अप्लाई करेंगे कंडीशंस को लीनियर कंडीशंस वाली को. समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग बातें हैं तो बजाय, लेकिन ये बड़ी मैच करती हैं, इनके आपस में रिलेशन है. तो जो चीज आपने लीनियर कंडीशन में पढ़ी, आपने उसी को अप्लाई कर दिया एंगुलर कंडीशन के अंदर. तो अगर नेट फोर्स नहीं होगी, सॉरी टॉर्क नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा. और अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया कंजर्व या फिर कॉन्स्टेंट. अब हम लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट को. समझ रहे हैं? और इसकी स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे भाई? मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी स्टेटमेंट. The statement will be okay. यहां पर आ जाएगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ठीक है. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इसी बात को हम थ्योरेटिकल लिख देते हैं कि इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी body is zero. If the net torque acting on the body is zero, then the angular momentum is conserved. Simple. Then the angular momentum, then the angular momentum of the body is conserved.
भाई ये आपने लिख दी स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हैं? तो पहले आपने समझा कि आप इस तरीके इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो प्रूफ करने के लिए पहले आपने फॉर्मूला डिराइव किया कि भाई टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, उसके बाद ये जो पढ़ा हुआ था हमने एक फॉर्मूला और होता है, और उस फॉर्मूले से ही हमने कॉन्सेप्ट बनाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो अगर टॉर्क एक्ट नहीं करेगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इस बात को देखें आप किस तरीके से रिलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सो टॉर्क इज इक्वल टू हाँ भाई डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ऐसा ही है। इसी तरीके से इफ F is equal to zero, then P is equal to constant. ये constant लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर force act ना करे, force zero हो, तो momentum हो जाएगा constant. कौन सा? Linear momentum. तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? If torque act ना करे, है ना? If torque is zero, then angular momentum is कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। तो देखिए जो रोल फोर्स प्ले करती है लीनियर मोशन में, वो रोल टॉर्क प्ले करता है सर्कुलर मोशन के अंदर। कितनी आसान सी बात है, फोर्स चेंज करती है लीनियर मोमेंटम को और टॉर्क चेंज करता है एंगुलर मोमेंटम को। फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन को, जबकि टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो एफ इज इक्वल टू एम ए एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कहां से आ गया? मैंने आपको बताया था कि ये रोटेशनल एनालॉग है किसका? लीनियर का, लीनियर मास का। रोटेशनल इनर्शिया यानी कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेसिकली क्या है? ये वही चीज है जो रोल प्ले करता है मास लीनियर मोशन के अंदर। तो ये एक आसान सी कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, और इसी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं। हाँ भाई किस तरीके से? भाई टॉर्क का मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था ना अभी, टॉर्क का एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया। हाँ भाई सॉरी, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो एंगुलर मोमेंटम का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट? दैट फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। और ये फॉर्मूला कहां से बना? ये फॉर्मूला कहां से बना, बल्कि ये लिख के बताता हूं मैं आपको। हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी, ये तो पता ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, है ना? इसी तरीके से इसको अगर हम सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करें तो लीनियर मोमेंटम की जगह पर आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह पर आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह पर आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी रहा हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब एक काम ये करते हैं हम यहां पर अगेन ये स्टेटमेंट के मुताबिक, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम लिखेंगे कि आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। सिंपल सी बात है ना? आई वन ओमेगा वन का मतलब क्या हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमेशा हमेशा बराबर होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? दिस इज व्हाट? दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सिंपल सी बात। सो इफ द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मींस आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल जब है जब टॉर्क एक्ट ना करे। दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द मेन कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, समझ रहे हैं? कंजर्व होने का मतलब ये नहीं कि वो जीरो हो गया है, समझ समझेगा कि अगर टॉर्क नहीं तो मोमेंटम नहीं होगा, नहीं, टॉर्क नहीं तो उसका मतलब ये कि मोमेंटम है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं? तो जनाब दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, इसको आपने बिल्कुल उसी तरीके से रिलेट करके पढ़ा जैसे हम हमेशा लीनियर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन बना के पढ़ रहे होते हैं। ये देखिए फॉर्मूला कैसे बन गया, ये लीनियर कंडीशन का फॉर्मूला था, इसको आपने सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर कंडीशन के लिए। सिंपल सी बात है। तो लीनियर क्वांटिटीज को अलग मत कर दिएगा, कहीं नहीं यार पढ़ लिया बस भाड़ में जाए आप लोग, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं भाई ताल्लुक तो रहेगा हमेशा,
तो एंगुलर मोशन को समझना है, सर्कुलर मोशन को समझना है, तो लीनियर क्वांटिटीज हमेशा आपके जहनों में फिक्स रहनी चाहिए। अगर वो फिक्स रहेंगी तो कहानी समझ आएगी, वरना मुंह खोल के बैठे रह जाओगे कि हो क्या रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर आपने कुछ इसमें मिस किया हो, लीनियर क्वांटिटीज नहीं पता हो, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, पढ़ लो जाके, वीडियो सर्च कर लो, मैंने हर वीडियो अपलोड की हुई है, जो मैं आपको यहाँ पर बातें बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई है। लीनियर मोशन कंप्लीट चैप्टर अपलोड किया हुआ है, सर्कुलर मोशन में टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये हर चीज़ मैंने अपलोड की हुई है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, समझ लें, जाकर मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जनाब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने से नहीं जाएगा आपका कुछ, ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।